स्काईवॉक पर बांटना, लेटना, दौड़ना, कूदना, फानना मना है। ग्लास स्काईवॉक पर एक जलोडिंग करना मना है। आओ मुझे पकड़ के आओ। ओह माय गॉड, काफी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लुक है। वाओ, देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज का व्यू। तो अब बात करते हैं टिकट बुकिंग प्रोसेस की। तो राजगीर आने से एक दिन पहले आपको टिकट ऑनलाइन बुक करने पड़ेंगे। ग्लास ब्रिज, ये स्काई वॉक जो भी है, नेचर सफारी, जू सफारी, सबका ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगा। तो राजगीर आने से ठीक एक दिन पहले आपको ऑनलाइन सारा टिकट बुकिंग करना है। तो टिकट बुकिंग कैसे करना है मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही, लैपटॉप के स्क्रीन पर ही कीजिए टिकट बुकिंग, बेटर रहेगा। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कैसे टिकट बुक करना है। सो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम या जो भी है अपना ओपन कर लीजिए, और उसके बाद गूगल को ओपन कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए जू सफारी राजगीर, है ना। जू सफारी राजगीर पर क्लिक करना है, और जो फर्स्ट वेबसाइट है राजगीर जू सफारी डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, इस पर क्लिक करना है, और ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। थोड़ा सा स्लो चलेगा वेबसाइट क्योंकि ज़्यादा लोड रहता है इसलिए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जू सफारी और नेचर सफारी ये दोनों अलग अलग है, और दोनों का टिकट प्राइस आपको अलग अलग ही लगेगा। जू सफारी का मतलब कि आपको एक वैन में बैठा कर लेकर जाया जाएगा, और आपको शेर, घोड़ा, चीता, बाघ जो भी वो दिखाया जाएगा वैन के अंदर। और नेचर सफारी वो अलग है, नेचर सफारी में आपको ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, या फिर सस्पेंशन ब्रिज एंड ऑल जो भी नेचर सफारी में, शूटिंग, जीप लाइन, ये सब नेचर सफारी में आता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जू सफारी का टिकट बुक करेंगे। तो जू सफारी टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक योर सफारी, इस पर क्लिक करना है। तो बुक योर सफारी पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ एडल्ट, यानी कि आप लोग कितने लोग हैं, एक साथ कितने लोग जाना चाहते हैं। एक साथ मैक्सिमम 5 लोग जाना चाहते हैं, तो 5 पर क्लिक कर सकते हैं। अगर एक दो है 2 पर क्लिक कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं 1 टाइप करता हूँ, ठीक है। और एक एक आदमी का, एक आदमी का प्राइस है आपको 250, यानी कि 250 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पर आपको नाम एंड ऑल सब फिलअप करना है, जैसे कि मैं फिल करता हूँ अपना नाम, और यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर दीजिए, एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप कर दिया, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मैं कुछ भी टाइप कर दिया, और मेल एंड फीमेल इसको चूज कर लीजिए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप लोग साथ बच्चे हैं तो बच्चे चूज कर सकते हैं कितने हैं, नहीं है तो यहाँ पर 0। और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, हो गया। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक रहना चाहिए सफारी टिकट पर, और यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी तीनों डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आधार नंबर ही डालें। तो यहाँ पर आधार नंबर डालना कंपलसरी है, और उसके बाद इसको छोड़ देना है। और विजिटिंग डेट यहाँ पर डेट चूज करना है, तो जाने से एक दिन पहले, यानी कि अगर 25 को जाना है तो 24 को टिकट बुक करना होगा, तो 2-3 दिन पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। यानी कि आज है अगर 23 तारीख और 25 को जाना है, तो यहाँ पर 25 को चूज करेंगे। और विजिटिंग टाइम स्लॉट, आप लोग कितने बजे जाना चाहते हैं वो टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। आप लोग को मैं रिकमेंड करता हूँ कि 10 से 11 के बीच में जाएं, क्योंकि सारे जानवर इसके बीच में खाना वगैरह खाने के लिए आते हैं, तो 10 से 11 के बीच में मैं रिकमेंड करता हूं। और ये जैसा इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यहां पर आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए, और बुक नाउ पर क्लिक कर लीजिए, और बोल रहे हैं कि मेक योर पेमेंट। तो 250 रुपये आप अपना पे कर सकते हैं, UPI एंड ऑल जो भी है, बार कोड स्कैन जो भी है, सारा इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, और
इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप लोग को एक सक्सेसफुली एक बारकोड रिसीव हो जाएगा और वही बारकोड आपको वहाँ पर जू सफारी में दिखाइएगा, आप लोग को एंट्री हो जाएगी। और ऑनलाइन ऑनलाइन वालों के लिए एंट्री अलग से है, इसके लिए स्पेशल लाइन लगती है। ऑनलाइन वालों की एंट्री फास्ट होती है, ऑफलाइन भी टिकट बुक होता है लेकिन उसमें भीड़ ज़्यादा होती है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग ऑनलाइन ही टिकट बुक कीजिए और फटाफट एंट्री लीजिए। तो चलिए ये तो हो गया जू सफारी का टिकट। अब हम लोग बात करते हैं कि नेचर सफारी का टिकट कैसे बुक करते हैं। तो चलते हैं नेचर सफारी का टिकट बुक करने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेचर सफारी का टिकट बुक करेंगे। नेचर सफारी का मतलब कि वहाँ पर आपको स्काई वॉक दिखाया जाएगा, जिप लाइन एंड ऑल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, तो वो है नेचर सफारी। तो नेचर सफारी का टिकट बुक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग गूगल ओपन कर लीजिए डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर। और गूगल ओपन करने के बाद इसको टाइप करना है, नेचर सफारी राजगीर डॉट इन, सेम यही टाइप करना है और इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट जो शो होगा नेचर सफारी राजगीर डॉट इन, इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट थोड़ा ये स्लो ओपन होता है क्योंकि इस पर बहुत लोग बुकिंग करते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो ओपन होता है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर टिकट्स के ऊपर क्लिक करना है। टिकट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी कीजिए और आप लोग के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपका नाम, तो यहाँ पर अपना नाम टाइप कीजिए। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए और यहाँ पर अपना आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वही टाइप करना है। आधार कार्ड से अपना जो एड्रेस होगा वही टाइप करना है, पिन कोड डालना है, अपने एरिया का जो पिन कोड होगा वो डालना है। यहाँ पर आप अपना आधार का नंबर डालना है, जो भी आपका आधार का नंबर होगा वही डालना है। और यहाँ से चूज करना है कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने लोग हैं वो यहाँ पर डालना है। बच्चे तो बच्चे डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है और ध्यान रखिएगा एक आदमी का टिकट का फी है 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये एक आदमी का फी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्ट डेट, किस तारीख को जाना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से डेट को चूज कर लीजिए। ये भी ध्यान रखिएगा एक दिन पहले ही टिकट बुक होता है, यानी कि आज तारीख है 23, तो आप अपने हिसाब से एक दिन पहले, एक दिन दो दिन पहले टिकट बुक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। तो इसके लिए टाइम स्लॉट मैं बता देता हूँ कौन सा बेटर रहेगा। इसके लिए टाइम स्लॉट आपका बेटर रहेगा 12 से 1 के बीच में। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रेट इंक्लूड्स नेचर सफारी एंट्री फी, फैसिलिटीज ऑफ जू सफारी एंट्रेंस प्लाजा, 180 डिग्री थिएटर एंड यहाँ पर आपको शो हो गया। टाइम स्लॉट चूज करने के बाद टाइम स्लॉट चूज कर दे सकते हैं। यहाँ पर एंट्री फी 150 रुपीज़ है और इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक, ये फालतू है, इसको बुकिंग मत कीजिएगा, ये कोई काम का नहीं है, उसके बुकिंग नहीं करना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा काफ़ी लोड रहता है, इसलिए वेबसाइट एरर हो गया। लेकिन आपको फिर से वही चीज़ करना है, बस वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक बारकोड जनरेट हो जाएगा और वही बारकोड आप लोग को दिखाना है वहाँ पर एंट्रेंस पर, आप लोग की एंट्री हो जाएगी। ओके, तो ऐसे टिकट बुक करना है।